नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फ्राई परवल की सब्जी बनाकर दिखाऊंगी। यदि ये रेसिपी पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। परवल की सब्जी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम परवल ली है, दो प्याज, एक तेज़पत्ता, एक बड़ा चम्मच बेसन, दो हरी मिर्च, दो टमाटर, अदरक लहसुन। परवल को बनाने के लिए हम पहले परवल को आगे से कट करेंगे और फिर इसको चार हिस्सों में काट लेंगे, फिर इसको पानी में डाल देंगे। ऐसे करके हम सारी परवल को काट लेंगे। ये देखिए, हम ऐसे परवल को चार हिस्सों में काटेंगे और पानी में डालते जाएंगे। अब परवल को हम ऐसे पुश करके इसका सारा पानी निचोड़ देंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से धो लिए हमने। अब हम परवल को फ्राई करने के लिए एक चम्मच तेल लेंगे और इसमें हम परवल को फ्राई करेंगे। ये देखिए, अब हम परवल को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम परवल को फ्राई होने के लिए 3 से 4 मिनट तक लीड लगाकर ढक देंगे। ये देखिए, हमारे परवल जो है फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको टन से बाहर निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम थोड़ा सा तेल और डाल लेंगे और इसको गरम करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, तेज पत्ता और कटे हुए प्याज। अब हम अपने प्याज को हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच बेसन का और इसे भी मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट और कटी हुई हरी मिर्च। अब इसको मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हम टमाटर, कटे हुए टमाटर। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और इस सारे मसाले को भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट पकाने के बाद इसको ढक देंगे, तब तक हमारी ग्रेवी बन जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे आधा गिलास पानी का। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मलाई का। ये ऑप्शनल है, अगर तो आपके पास दही है तो आप दही भी डाल सकते हैं। ये देखिए, हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें परवल को डाल के 4 से 5 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाएंगे। अब इसका लीड लगा के 4 से 5 मिनट तक पकाएं। देखिए, हमारी परवल की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, हमारी परवल की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है और इसकी ग्रेवी भी इतनी अच्छी बनी है। आप इसे रोटी या परांठे के साथ भी खा सकते हैं।